एक बढ़िया सा दृश्य दिखा, वो दृश्य ये है। और ठीक है भाई, अगर 250 रुपए में ये मेरा दो दो ईयरफोन ठीक करके दे दे रहा है, जो कि दोनों ईयरफोन का कॉस्ट अगर आप देखने जाओगे तो 4000 के ऊपर हो जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज राइड विद किक। एक नए मोटर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है संडे, तो संडे मतलब कि फन डे होता है भाई। बात ऐसा है कि मैं घर में आराम कर रहा था, पर मेरा जो ईयरफोन है वो काम करना बंद कर दिया। सो ईयरफोन काम करना बंद कर दिया तो बोट वाले को भाई कैसा है कि आजकल बोट से ना रिप्लेसमेंट सही से मिलता नहीं है। तो और प्रॉब्लम ये है कि मेरा लास्ट का शायद एक महीना ही बचा हुआ है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट प्रोसेस इतना लंबा है इनका कि 15-20 दिन एक डेढ़ महीने के लिए हेडफोन ले लेते हैं। और पहले जैसा अभी रिप्लेसमेंट होता भी नहीं है कि ऑन द स्पॉट अपने को रिप्लेसमेंट मिल जाए, और मोस्ट ऑफ जगहों पे सर्विस सेंटर बंद हो चुकी है। तो इसके लिए अभी मैं एक लोकल शॉप पे जा रहा हूँ, जो मुझे पता है। पहले मैं जाता था मतलब डैड के साथ काम पे, तो वहाँ पे ना एक बाहर में घूमती पे बैठता है एक बंदा जो कि इमीडिएट रिपेयर कर देता है। सो प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक ईयरबड नहीं चल रहा है, मेरे पास टोटल दो ईयरफोन है और दोनों ही ख़राब हुए हैं। अभी ख़राब क्या हुआ है कि एक ईयरफोन में चार्जिंग का जो केबल होता है, मतलब जो प्लग होता है जहाँ से हम चार्जिंग करते हैं, उसका चार्जिंग पिन ख़राब हो गया है। और दूसरा जो है उसका प्रॉब्लम यह है कि एक साइड का ईयरबड नहीं चलता। तो मुझे एक जगह पता है, जैसे कि मैंने बताया वो गोमटी पे बैठता है बंदा, वो रिपेयर कर सकता है, तो उसके पास जा रहा हूँ। मैक्सिमम 150 रुपये लगेगा, लेकिन वो रिपेयर करके दे देगा तो ये इमीडिएट मेरे को मिल जाएगा। अगर मैं बोट के चक्कर में पड़ूंगा तो फिर तो भाई सोच लो कि हो गया बढ़िया से उसका। ये देख रहे हो विक्रोली के नज़ारे, देखो यार ये कुछ दिनों में ना मतलब एकदम अलग ही लेवल पे दिखने लगेगा विक्रोली, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है जो कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि अगले 4-5 सालों में विक्रोली बहुत ही ज़्यादा अलग दिखने लगेगा। ओ भाई यहाँ पे ये बैरिगेट क्यों लगा के रखा है समझ नहीं आ रहा है। वैसे नॉर्मली यहाँ पे जो है बैरिगेट तो रहता नहीं है। ऑल राइट, सो पता नहीं क्यों यहाँ पे बैरिगेट करके रखा हुआ था, बट अभी अंदर तो आ गया हूँ। यहाँ पे लोग गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। ये गोदरेज वाला जो पैच है ना, यहाँ पे ये सर्विस रोड का बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है, क्योंकि अपने को एक भी सिग्नल लगता नहीं, हम सीधा सीधा निकल जाते हैं आगे की तरफ, और ये बहुत अच्छी बात है। लोग ये पिलर देख रहे हो, ये मोनोरेल का पिलर है और मोनोरेल पीछे से आ रहा है और अभी यहाँ से टर्न होगा। आपको पता है सबसे ज़्यादा डेंजर मोनोरेल में बैठने के बाद यहाँ पे ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से मुड़ता है। अभी आप खुद देखिएगा, ये मोनोरेल जा रहा है, देखिए पूरा ऐसा बैंड हो रहा है, देखो इस तरफ में पूरा बैंड हो रहा है। तो अंदर जो लोग बैठे रहते हैं ना भाई, वो ऐसे सीधे बैठे रहते हैं, लेकिन जब ये टर्निंग आता है तब वो लोग ऐसे हो जाते हैं पूरे ऐसे, तो मतलब लोगों की हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। जो है लोगों नहीं बोलूँगा मैं, बस उसको बोलूँगा जो फर्स्ट टाइम बैठता है, क्योंकि भाई जो डेली ट्रैवल करता है ना उसको इतना पता नहीं चलेगा, बट जो फर्स्ट टाइम बैठेगा ना भाई वो डर जाएगा। आप लोगों से एक और बात शेयर करना था, मैंने ये छोटा वाला फॉग लैंप लगाया हुआ है, आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने ये दोनों सस्ते में लगाया था, ठीक है, और मैंने इसकी काफ़ी बड़ाई भी की थी आप लोगों के सामने कि यार ये जो है ये क्या हो रहा है। वैसे यहाँ पे ट्रक वालों को देना पड़ता है थोड़ा आगे पीछे होने के लिए, ये बहुत पुराना मैटर है, छोड़ दो उसको। तो यहाँ पे ये जो फॉग लाइट का है, ये इसका ना मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा है, लाइक इसका जो ब्राइटनेस है और येल्लो और वाइट दोनों का भी मतलब कि इनफ है सिटी में और छोटे राइड के लिए। बड़े राइड के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसे, क्योंकि उतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है इस लाइट का, लेकिन सिटी में चलने के लिए और छोटे मोटे राइड्स करने के लिए, जैसे मुंबई लोनावला, मुंबई पुणे, मुंबई नासिक, ओके है, आप कर सकते हो इस पर। एंड दूसरा चीज़ जो इसका ड्रॉबैक है उसके बारे में मुझे बताना था आपको। तो अभी कुछ दिनों से ना मतलब एक इशू मैं फेस कर रहा हूँ इसमें, कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तब इसमें ना बहुत किरकिरी सा नॉइज़ आता है, और जो कि बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और इरिटेशन होता है उस आवाज़ से।
मैंने मतलब कि उसका टाइटनेस वगैरह भी चेक करवाया, टाइटनेस वगैरह भी ओके है। ओके तो अब मैं बताता हूँ कि ये आवाज़ आ कैसे रहा है। अभी ये आवाज़ का फ़िलहाल तो मुझे कोई सलूशन मिला नहीं है, बट मैं बता देता हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। इसके अंदर फ़ैन लगे हुए हैं, ये LED के पीछे फ़ैन लगे हैं कूलिंग के लिए, इसके हीट सिंक को कूल करने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि वो जो फ़ैन है ना उसमें वाइब्रेशन होता है जब गाड़ी चलाते हैं और लाइट ऑफ होती है। जब लाइट ऑफ होती है तो फ़ैन मूविंग में नहीं होता है, वो स्टेबल होता है। तो उसमें ना वाइब्रेशन की वजह से किरकिरी सा नॉइस प्रोड्यूस करता है यार, वो बहुत बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पर, यहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट। लेफ्ट लेते ही थोड़े ही दूर पे राइट हैंड साइड में वो बंदा बैठता है गुमटी पे, जो कि रिपेयरिंग का काम करता है। तो मैं पहुँच के देखता हूँ है कि नहीं और अपना काम कराता हूँ फटाफट से। अरे यार ये लफड़ा हो गया, ये तो बंद है भाई। यहाँ पे गुमटी में जो काम करता था बंद करके रखा है, और ये बहुत बुरा हो गया मेरे साथ में, मोए मोए हो गया भाई साहब। अभी क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं। नहीं भाई साहब जा रहे हैं, लेकिन अभी ये दुकान खोल रहे हैं, ये देखो बढ़िया हो गया। बस ये दोनों ईयरफोन हैं, ये वाले का एक साइड का बंद है, कान का नहीं चलता, और इसमें चार्जिंग का इशू। अभी ये दोनों ये भाई को देंगे, मस्त बना के देंगे, इनका दुकान भी सेट हो गया पूरा बढ़िया। ये खुल गया, काम वाम शुरू हो गया, बढ़िया है, फटाफट से करवा लेता हूँ। तो बन गया, अभी इसका दोनों काम कर रहा है बढ़िया। ये स्पीकर वगैरह, इसका ये स्पीकर चेंज किया, काम बढ़िया हो गया। ये स्पीकर गया, चेंज करने के बाद भी आवाज़ सेम आ रहा है, आवाज़ बढ़िया आ रहा है। मतलब स्पीकर जो भी डाला इनने, आवाज़ एकदम सेम टू सेम आ रहा है। दूसरे ईयरफोन का चार्जिंग का काम चालू है, बढ़िया फटाफट हो जाएगा, फिर निकलते हैं। तो भाई इसका भी चार्जिंग का काम हो गया, चार्जिंग चालू हो गया। इसमें कुछ और ख़राब नहीं था, बस चार्जिंग का ही था, लाइट आ रही है। थोड़ा 10 मिनट रुक के देखता हूँ चार्ज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 10% था, तो देख लेता हूँ चार्ज हो रहा है कि नहीं। 10 मिनट चार्जिंग पे लगाया, 40 से 60% हो गया, मतलब अभी काम कर रहा है। थैंक यू भाई। कितने हो गए ये दोनों के? दोनों का 250 रुपये। तो ये दोनों का अभी 250 रुपीज़ हो गया, तो इनको देते हैं और निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू, इनके पास आओ, बना के जाओ, बढ़िया काम करते हैं। यहाँ पे आके मेरा बना के हो गया, ये सामने दुकान दिख रहा है आपको। यहाँ पे होटल है दो दो, मतलब देखो एक ये जगदम्बा करके होटल है, ओके। और आप लोगों को अगर यहाँ पे आना होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे इजीएस्ट वे क्या है। ये जो रास्ता सामने जा रहा है देखो, बस इतने डिस्टेंस पे है, ये सामने जाते ही उधर लेफ्ट में आपको शिवडी स्टेशन दिख जाएगा। मतलब कि आप सीवड़ी स्टेशन से उतर के पीछे से आके ये फटक क्रॉस करके जा सकते हो। तो मतलब ये सीवड़ी स्टेशन से हार्डली 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप इधर आके अपना ईयरफोन वगैरह रिपेयरिंग करा सकते हो भाई। मतलब देखो मैं सिर्फ ईयरफोन के लिए ही बोलूँगा, बाकी चीज़ों के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने ईयरफोन ही रिपेयर कराया इसके पास में, और ये मैं दूसरी बार आया हूँ। इसके पहले मैं जब यहाँ HPCL में काम पे था, तो उस टाइम पे मैं यहाँ से अपना ईयरफोन रिपेयर कराया था, इसलिए मुझे पता था कि यहाँ पे होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। मतलब एक छोटे से काम के लिए मैं इतना दूर आया, लेकिन भाई मेरा दोनों ही काम हो गया। मतलब मेरे 200-250 रुपये इसने लिया बंदे ने, क्योंकि इसने स्पीकर भी डाला और थोड़ा केबल का लेंथ भी बढ़ाया, तो ये सब करने से थोड़ा उसका पैसा लगा। और ठीक है भाई, अगर 250 रुपये में ये मेरा दो दो ईयरफोन ठीक करके दे दे रहा है, जो कि दोनों ईयरफोन का कॉस्ट अगर आप देखने जाओगे तो 4000 के ऊपर हो जाता है, तो यार ठीक है 250 रुपये मतलब कुछ बड़ा डील नहीं है, दे सकते हो। मेरा ईयरफोन बन गया और मैं काफ़ी खुश हूँ। दोनों को टेस्ट किया, दोनों एकदम परफेक्ट चल रहा है। बंदे ने जो नया स्पीकर डाला, वो स्पीकर एकदम एक्यूरेट बोट की तरह ही बज रहा है यार। मतलब कि दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मतलब मैंने दोनों ईयरफोन लगाया, फुल वॉल्यूम पे सुन रहा था, फिर भी जो बेस पंच है, बाद में फिर जितने भी मतलब सारे नोट्स है, एकदम क्लियर कट आ रहे थे यार। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसने कोई डुप्लीकेट या कोई दूसरा स्पीकर डाला। हो सकता है इसके पास स्पीकर अच्छे क्वालिटी का होगा, इसके लिए इतना बढ़िया आवाज़ आ रहा था। कुछ है ना, एक बढ़िया सा दृश्य दिखा, वो दृश्य ये है। तो सोचा यार जब सनसेट हो ही रहा है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं।
देखो यार, ईयरफोन के लिए अगर आना है तो ये जगह सही है, मतलब आप रिप्लेस करा सकते हो वारंटी के बाहर है तो, और वारंटी में है तो ट्राई करो कि बोट से वगैरह कर लो। अगर आपको पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है, तो यहाँ पे आ सकते हो और अच्छा सर्विस मिलेगा। ये मेरे को मतलब जैसा ट्रीट किया हो सकता है आपको भी वैसा ही करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग यूजफुल लगा हो और काम का लगा हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अच्छे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राम राम, महादेव, बाय बाय।